हाय दोस्तों, मैं हूँ संजय और मैं करा रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम हिजामा अपनी लाइफ में। और ये बेस्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और बैक पेन के लिए, और ये पूरा आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं आज कपिंग थेरेपी करवाने के लिए, तो चलिए मैं ले चलता हूँ तुम्हें अपने साथ कपिंग थेरेपी और आप जब कभी भी कपिंग थेरेपी या फिर कुछ भी थेरेपी वगैरह करने जाएं तो अपने साथ अपना टॉवल और पर्सनल चीज़ें लेके जरूर जाएं। पहुँच गए हैं यहाँ पे और हमें कराना है दिस वन कपिंग थेरेपी। तो आज हम दोस्तों आप आए हैं आयुष्मान सेंटर में, और ये मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं, दिनेश भड़वाल जी, और ये यहाँ पे इनसे संचालक हैं। ये बताएंगे इसके बारे में, कपिंग थेरेपी के बारे में। अच्छा जी, आप आ जाओ। मैं डॉक्टर दिनेश भड़वाल, मेरा MD पंचकर्मा से है, और मैं अभी उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ। और ये आयुष्मान पंचकर्मा सेंटर भी मेरा ही है जो कि मैं रन ही करता हूँ, मेरी पूरी टीम इसको रन करती है। आज हमारे एक मित्र हैं जो कि ब्लड कपिंग यानी कि हिजामा की थेरेपी के बारे में जानना चाह रहे थे और खुद भी कराना चाह रहे थे। तो ब्लड कपिंग का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे इन्फ्लेम ब्लड बोले या हम लोग डिटॉक्स करने के पर्पज से हम लोग कराते हैं, तो इस वजह से हम लोग को ब्लड कपिंग कराने होते हैं। और खासकर हम लोग इसको बॉडी जिस बैक में ज़्यादातर कराते हैं, जिसको हमारी स्पाइन में स्टिफनेस है, इन चीज़ों में बहुत राहत मिलती है बॉडी में और बहुत लाइटनेस फील होता है। अब देखते हैं कि इनका कराने के बाद इन्हें खुद अपना व्यू खुद देंगे, अभी की स्थिति और हिजामा यानी ब्लड कपिंग के बाद की जो स्थिति होगी ये अपना व्यू खुद देंगे इसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू। और इसके बाद चलते हैं हम आपको सेंटर में दिखाते हैं। यहाँ पर इनका सेंटर और उसमें कई चीज़ें मीडिया और कुछ और भी होता है, जैसे ये सब वगैरह रखा हुआ है। तो मैं आप अपने कपड़े उतार लिए हैं और कपिंग थेरेपी के लिए हम रेडी हैं। Doing crazy dreaming.
ना ज़्यादा पेन है ना कुछ है, और मेरी बैक देख ही रहे होंगे अब कैसी हुई है। और की है आपको बताऊँ कि ऐसा ब्लड वगैरह देख रहे होंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा पेन होता नहीं है इसमें, और जो गंदा ब्लड होता है जो जमा रहता है काफ़ी टाइम से जिसमें एक्सरसाइज वगैरह होती नहीं है बीट की, तो वो सब बाहर निकल जाता है और इससे बाद में रिलीफ मिलता है। तो आप आइए यहाँ कपिंग थेरेपी कराने के लिए, हिजामा कराने के लिए आयुष्मान पंचकम केंद्र एंड आयुर्वेदिक चिकित्सालय में, और ये सबसे बेस्ट है।